सभी मजदूर संघ जिला सोलन का सालाना अधिवेशन प्रदेश महामंत्री मंगत राम नेगी की अध्यक्षता में बद्दी में संपन्न हुआ। इस मौके पर संघ के प्रदेश सह सचिव एवं जिला प्रभारी देवीदत्त तनवर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में जहां कई मुद्दों पर मंथन किया गया, वहीं पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर 3 सालों के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में नंदलाल शर्मा को जिला सोलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले पुरानी कार्यकारिणी को भंग किया गया, जिसमें कोषाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बैठक में साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। नव नियुक्त जिला अध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने कहा कि संघ द्वारा जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह पूरी ईमानदारी व निष्ठा से उनको निभाते हुए हमेशा मजदूरों के हितों और संगठन के विस्तार के लिए कार्य करेंगे। प्रदेश महामंत्री माननीय नेगी मंगतराम नेगी जी द्वारा और यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश के पदाधिकारियों के द्वारा जिला सोलन की कमेटी का गठन किया गया है। मैं आश्वासन दिलवाता हूँ और पूरी कार्यकारिणी जो हमारी जिला की बनी है, पूरे चाहे उद्योगों में और चाहे सरकारी क्षेत्र में, कहीं भी किसी भी मजदूर का कोई शोषण हो रहा हो, चाहे उद्योगों में उद्योगपति कर रहे हो, और हम अपना बीएमएस का काम जो है बहुत बड़ा चढ़ा कर करेंगे और किसी प्रकार के शोषण के खिलाफ हम एकजुट होकर और संघर्ष करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज जिला सोलन का भारतीय मजदूर संघ का जो गठन किया, हम सब ने सबके विचार विमर्श के बाद आज की जो टीम की घोषणा की, हमने उद्योगों से, सरकारी क्षेत्र से, असंगठित क्षेत्र से सभी का ध्यान रखते हुए आज की जो कार्यकारिणी का चुनाव किया। भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश और भारतीय मजदूर संघ के केंद्र के निर्णय अनुसार हमारा प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से एक आग्रह भी है, और हमने इसके विरोध में, केंद्र के विरोध में भी और प्रदेश के विरोध में भी 17 नवंबर को हमने दिल्ली के जंतर मंतर रोड पे और 17 सितंबर 2018 को शिमला के आइस स्केटिंग ग्राउंड में भी कर्मचारियों के हित में और हमारी जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं उनके बारे में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था। हमारा उद्योगों में काम करने वाले सभी जो कर्मचारी हैं उनके बारे में आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर और जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं उनके बारे में, सिलाई कटाई की बहनें हैं उनके बारे में भी हमें प्रदेश सरकार से मांग की है कि उनको सरकारी कर्मचारी घोषित करें। और उद्योगों में जो केंद्र सरकार ने 18,000 का मिनिमम वेतन की जो घोषणा की है, उसको तत्काल, जब तक उनको सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित किया जाता, उनको 18,000 का न्यूनतम वेतनमान देने की, वो अपने उसको जो केंद्र सरकार के आदेश है उनको सख्ती से पालन करें। हमारे जो प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं उनसे भी हम पिछले दिनों भारतीय मजदूर संघ की टीम मिली है, हमने उनसे भी आग्रह किया था कि ये सख्ती से श्रम कानूनों का पालन करें। सर, एक कार्यकारिणी आपकी पिछली बार भी यहाँ गठित हुई थी जिसमें मेहुल जो है वहाँ पे अध्यक्ष पद पे थे, उनके कार्यकारिणी का क्या? भारतीय मजदूर संघ का एक प्रोरोगेटिव जो है, जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो भारतीय मजदूर संघ के जिला के गठन के लिए स्वतंत्र रूप से जब चाहे कार्य ठीक ना करे तो एक कोई परमानेंट ना, हमारे कोई संविधान में इस तरह का है कि मतलब ये कितने सालों के लिए, अगर ये जो हमने आज कार्यकारिणी गठित की है अगर ये ठीक से काम नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने प्रेस के माध्यम से भी ये बता देना चाहता हूँ और हमारी जो जिला की टीम भी खड़ी है हम उनको भी बता देना चाहते हैं कि अगर ये टीम ठीक से काम नहीं करेगी, कर्मचारियों के हितों के बारे में कोई अपनी मांग नहीं उठाएगी तो हम इसको, ऐसा नहीं है कि हम 2 साल के लिए कि 1 साल के लिए इसको निर्वाचित घोषित करते हैं, इसको 3 महीने में भी इसको बदल सकते हैं। दूसरी कार्यकारिणी को जो है ये केवल महामंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, महामंत्री जब चाहे अपने सहयोगी के साथ ही, मतलब भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय जो निर्णय है उसके अनुसार ही हम काम करते हैं। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। बहुत पुराने मित्र हैं इनका, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय मजदूर संघ ने।